नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बर चार्ट एनालिसिस के सीरीज में जो आज हम वीडियो लेने वाले हैं वो है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का चार्ट मैंने पहले भी लिया था, लेकिन आप लोगों ने बहुत कोई ने रिक्वेस्ट किया था कि रोहित शर्मा का जो फॉर्म है वो डिटोरिएट कर रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए और ये हम लोग को बताइए कि उसका आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, और क्योंकि चार्ट एनालिसिस मैंने पहले ही किया है तो इसीलिए मैं बस टाइमलाइन जो है रोहित शर्मा का उसी पे फोकस करूँगा, और डिटेल जो बर चार्ट एनालिसिस है उसका लिंक मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जा कर के वो पिछला वीडियो जो है वो आप रेफ़र कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर यूजली जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये है कि राहु वीनस वाला जो फेज़ होता है यहाँ पे जाकर के आपके लिए कुछ बड़े अचीवमेंट्स या फिर कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। राहु वीनस एक अच्छा फेज़ होता है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि राहु केतु वाला फेज़ था, यहाँ से जा कर के रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया था, और उसके बाद जा कर के राहु वीनस में ये और ऊपर जाने लगे, और राहु वीनस, राहु सन, राहु मून और राहु मार्स, यहाँ तक फिर इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम लोग इनका जो बैटिंग एवरेज है उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी। तो इनका जो ODI परफॉर्मेंस है वो हम लोग एक बार खोल करके देखते हैं और देखते हैं कि वो कैसा रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ODI परफॉर्मेंस है इनका ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो फेज़ था 2008 से लेकर के 10 का, यहाँ पे इनको शनि की दशा चल रही थी, तो चांसेस तो इनको काफ़ी मिले लेकिन वो चांस को ये अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। उसके बाद 2011 में थोड़ा एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था जब इनका शनि कुछ टाइम के लिए निकल गया था, और उसके बाद फिर 2013 से जैसे इनको राहु में केतु शुरू हुआ तो फिर इनका परफॉर्मेंस अच्छा होना शुरू हुआ। राहु मर्करी ख़त्म हो रहा था, केतु शुरू हो रहा था, और उसके बाद जाकर के ये राहु वीनस वाला फेज़ जहाँ से देयर वाज नो टर्निंग बैक, और इनका जो बैटिंग परफॉर्मेंस था दैट हैज़ बीन क्वाइट फिनोमिनल आफ्टर दैट। फिर उसके बाद ये जो इनिंग्स थी इनकी ये भी राहु वीनस वाले फेज़ में था, ये 2017 में 208 रन की पारी ये भी राहु वीनस या राहु सन वाले फेज़ में था। तो यहाँ से अगर आप देखें तो राहु वीनस, राहु सन, राहु मून वाला जो फेज़ था ये काफ़ी अच्छा रहा, और यहाँ पे जा करके अभी रिसेंटली इनको जुपिटर महादशा शुरू हुई है, और जुपिटर महादशा 2021-2022 यहाँ तक रहा, और यहाँ तक ऐसे देखें तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा। यहाँ पे अगर वापस हम लोग टाइमलाइन पे आते हैं तो 2021 तक इनको राहु मार्स चल रहा था, और राहु मार्स में हम लोगों ने देखा कि इनका जो बैटिंग परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो 2021 देखे तो 30 का एवरेज था, और उसके बाद जुपिटर का जो फेज़ शुरू हुआ 2022-23 तो ठीक ठाक रहा। अब यहाँ पे आगे क्या है इनके लिए, आगे का अगर हम लोग फेज़ देखें तो यहाँ पे इनको बहुत ही जल्दी राहु जुपिटर में शनि शुरू होने वाला है। शनि एक तरह से देखिए तो कर्क लगन के लिए ये अच्छा नहीं होता, ये अष्टमेश बनता है, और अष्टमेश की दशा कभी भी आए तो आपको दिक्कत तो देती है। तो यहाँ पे अब देखिए कोऑर्डिनेट्स भी कैसा बन रहा है, 7-8 वाला और 7-8-12 वाला, विच सजेस्ट कि यहाँ पे अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, इंजरीज इनको काफ़ी ज़्यादा होगी, और ओवरऑल जो गेन होगा वो काफ़ी कम होगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस टाइम पे अराउंड मिड ऑफ द ईयर उसके बाद जा कर के इनको काफ़ी सारी इंजरीज होने वाली, इनके फिटनेस को लेकर के कोई इशूज़ रहने वाला है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद 2-3 साल के अंदर ही विद इन 2025 ये रिटायरमेंट ले लेंगे। तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहा है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि शनि वाला जो फेज़ होता है वो यूजुअली आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो स्लो कर देता है, आपकी जो टाइमिंग है वो ख़राब कर देता है, और जो फिटनेस है फिटनेस को लेकर के भी इश्यूज रहता है, और कुछ इस तरह की इंजरीज आपको दे देता है जिससे रिकवर करने के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो इस केस में मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ टाइम में आप रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस है, बैटिंग एवरेज है, वो और आप गिरते हुए देखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि शायद वो टीम में जगह भी ना बना पाए, और उसके बाद शायद आप
उनको प्लेइंग 11 में भी ना देखें। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है जो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के लिए हो सकता है आगे चल करके। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं ये वीडियो को और बड़ा नहीं करना चाहता। मैं जो पुराना वाला जो मेरा वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दैट इज़ अ डिटेल एनालिसिस। ये जब मैंने ये बनाया तो ये मैंने सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था ताकि आप वर्ल्ड कप के बारे में जान सको कि वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और आगे आप उनके परफॉर्मेंस के लेकर के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो परफॉर्म अच्छा करेंगे या नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।